विजय राजभर, वो तो पता नहीं किस मूड में है, किस नशे के झोंक में है। 2 साल बना जुम्मे जुम्मे विधायक बने हुए, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ बैठे हैं। वो सुनते नहीं है, ऊंची सर उठा के बात भी नहीं करते हैं। उनको तो घमंड हो गया कि मैं बीजेपी का विधायक हूँ। कहते ना, जैसे बंदर को हल्दी की गांठ मिल जाती है, पंसारी समझ बैठता है, उसी तरह ये विजय राजभर विधायक है। इसको तो समझ में आ रहा है कि मैं मऊ का मुख्यमंत्री बन गया हूँ। लेकिन नहीं चलेगा, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो विजय राजभर को भी पता चल जाएगा कि मऊ के गौण क्या है। अच्छा, पर जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष हो रहा है, आगामी चुनाव में गौण समाज क्या सोच रहा है? अगर जो चुनाव में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, चुनाव तो दूर की बात, मैं हम लोग एकत्रित होके हम लोग पूरे लोग चुनाव में वोट नहीं देंगे, वोट का विस्तार करेंगे कि हम वोट देंगे ही नहीं। अच्छा, एक आपको एक कमी ये दिखती है कि आपका सदन में प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी वजह मानते हैं क्या? सदन में प्रतिनिधि इस समय सब बीजेपी के हैं। वो लोग कहते हैं, उन लोग का भी नहीं सुना जाता है। इस समय हमारे मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका भी नहीं सुना जा रहा है सदन में। क्यों नहीं सुना जा रहा है, अब वो कैसे कह रहे हैं इसका कोई हम नहीं बता सकते। चुनाव बहिष्कार होगा या बीजेपी का बहिष्कार होगा? मैं चुनाव बहिष्कार और बीजेपी का बहिष्कार करूंगा। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो हम क्यों वोट देंगे, आप बताइए क्यों देंगे? हमको तो हमारा तो एकमात्र सूत्र है जाति प्रमाण पत्र, जिसके वजह से हमारे समाज के बच्चे भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब में वंचित रह जा रहे हैं। जब भारत सरकार की योजना उनको नहीं मिल रही है तो वोट वो क्यों देंगे, आप बताइए। ये थे मेरे साथ किशन लाल फौजी, जो गौण जाति के नेता हैं, और इनका मांग है ये है कि जब तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा यहाँ से नहीं उठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और सड़क जाम करने का भी उद्देश्य है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजेश गोल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गोल महासभा। जी जी, देश के राष्ट्रपति का राजपत्र जारी होता है कि मऊ का गोल अनुसूचित जनजाति है, और 1977 से प्रमाण पत्र जारी होते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आदेश की अवहेलना करता है, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है। और प्रमाण पत्र जारी न होने से हमारे समाज के बच्चे संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं, और इसका खामियाजा 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना चाहिए। आप दोहरा व्यवहार नहीं देखते हैं, चुनाव आता है तो चुनाव लड़ा देते हैं, आपको जनप्रतिनिधि चुन लेती है लेकिन अन्य सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी शुभचिंतक नहीं है। अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसमें इन लोगों ने वंचित करने का षड्यंत्र रचा, लेकिन माननीय न्यायालय को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में 13 जनपद में हमारे लोगों ने पंचायत चुनाव में सहभागिता किया, और यही सरकार न्यायालय में शरणागत हुई और वहाँ पे कहा कि हम आरक्षण भी दे रहे हैं और चुनाव भी लड़ा रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी और योगी की सरकार का है। वहाँ गौण साबित करके अनुसूचित जनजाति में लड़ा देते हैं तो अन्य सर्टिफिकेट बनाने में क्या दिक्कत आती है, आप लोगों को समझ में आता है? इसलिए कि उनके हरवाहे चरवाहे के रूप में यह गौण समाज हुआ करता था, और आज यह समाज SDM बन रहा है, जज बन रहा है, कलेक्टर बन रहा है, ये इन लोगों को छुपता है, ये सामंती सोच के लोग हैं। तो 22 में क्या मूड है अब? 22 में जो हमारा नहीं हम उसके नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम उसके खिलाफ रहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, जो हमारा बात सुनेगा, जो हमारा संवैधानिक अधिकार बहाल करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। ये थे गौण समाज के प्रदेश स्तर के नेता, और इनका भी यही कहना है कि जो हमारी बात सुनेगा, जो हमारे हक की बात करेगा, आने वाले चुनाव में भी हम उन्हीं का साथ देंगे। अब देखते हैं कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है और जिला प्रशासन का क्या रवैया रहता है।